न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। खबर रीवा से है, जहां माउगंज उप जेल में हत्या के आरोप में बंद बंदी की उप जेल के भीतर ही मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही एसडीएम एपी द्विवेदी, थाना प्रभारी माउगंज श्वेता मौर्य उप जेल पहुंचकर जांच में जुटे हुए हैं। बताया जाता है कि 2 वर्ष पूर्व पन्नी पथरिया की बहुचर्चित चमन सिंह हत्याकांड के मामले में राम प्रसाद साकेत पुत्र राम दुलारे साकेत 58 वर्षीय निवासी पन्नी पथरिया जेल में बंद था, जहां एक दिन पहले ही बीमार होने की वजह से उसे सिविल अस्पताल माउगंज में उपचार खातिर भर्ती कराया गया था, लेकिन सुबह जेल के भीतर मौत की सूचना से हड़कंप मच गया। माउगंज प्रशासनिक अधिकारी सहित पुलिस ने उप जेल पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। मौत की वजह बीमारी बताई जा रही है। माउगंज उप जेल में मृतक बंदी के शव के पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं परिजनों ने जेल प्रबंधन पर समय पर भोजन और इलाज नहीं मिलने का आरोप लगाया है, जिसके बाद माउगंज सिविल अस्पताल में परिजनों के साथ भारी संख्या में ग्रामीण जुटे और कार्रवाई एवं जांच की मांग करते हुए पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। इन सब के बीच परिजनों की इच्छा के अनुसार मृतक का पोस्टमार्टम कराने में प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। बताया जाता है कि 2 वर्ष पहले ही पन्नी पथरिया में बहुत चर्चित चमन सिंह हत्याकांड के आरोप में आरोपी को जेल हुई थी, जिसके बाद सुबह उसकी मौत हो गई। इसमें कुछ नेता भी मामले को तूल देने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फिराट 24 न्यूज। ऐसा हम रोहा रहना, हमारा सूजी लगवा ली ना, ऐसा पकड़ के उठा खड़ा।